हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वापस एक नया वीडियो आपका स्वागत कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, ये है फिलहाल मुंगेर गंगा ब्रिज। और अभी हम यहाँ का एक अपडेट लेने आए हैं एंड आपको बताते हैं कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बात, जो कि आपको पता होगा 4 से 5 लिंक पद दिया गया है रोड से नीचे उतरने के लिए। तो फिलहाल पहला था वो यहाँ कटरिया दूध फैक्ट्री के पास जो था, 2 दिया गया था, एक बायां साइड से एक दायां साइड से। लेकिन अगर आप 0 माइल तेलिया तलाव की तरफ से अगर आते हो तो आपको दहना तरफ का लिंक रोड सिर्फ मिलेगा। बायां तरफ का जो लिंक रोड था वो फाइनली कटिंग कर दिया गया है। सो वीडियो में आपको आगे जाके दिखाते हैं अभी। और यहाँ से डायरेक्ट अभी देख सकते हो इस तरफ जो था स्कूल के जस्ट साइड में ही इस तरफ से ही लिंक रोड चालू है, एक्चुअली इस तरफ का बट बंद हो चुका है। मतलब इस तरफ जो लिंक रोड था वो बंद कर दिया गया है, वो मैं आपको अभी थोड़ा आगे जाने के बाद आपको दिखाऊंगा इस तरफ से। और इस तरफ का ही चालू है, जो भी कृपया करके आप अगर मुंगेर गंगा पुल से आते हो और दूध फैक्ट्री के पास अगर उतरने का कोशिश भी करते हो तो आप ध्यान रखना इस बात को कि जो हम बता रहे हैं आपको कि बायां तरफ का जो रोड है वो बंद हो चुका है। और यहाँ जो आपको पता होगा बीच में जो एक लिंक रोड दिया गया है, चौबटिया जिसे बोल सकते हो आप, वहीं से आप आ सकते हो और वो भी दाहिना तरफ से। तब आपको जाके अपना लिंक रोड मिल सकता है, दाहिना तरफ से उतरने के बाद ही आप अंडर पास के थ्रू इस तरफ से आप जा सकते हो दूध फैक्ट्री और इधर मुंगेर पूरबसराय की ओर। तो फिलहाल यहाँ का अपडेट दिखाते हैं एंड व्यू दिखाते हैं आपको, जहाँ में कि बायां तरफ का लिंक रोड को कोर दिया गया है किरान से। सो वही हम देखें तो आपको बताने के लिए आए एंड आगे यहाँ से चलते हैं चंडिका स्थान तरफ, देखते हैं क्या काम चल रहा है। एंड अभी तो 3 जून से 5 जून तक फाइनल डेट दिया गया था न्यूज़पेपर में, सारे जगह सोशल मीडिया पे जितना भी था, कि मुंगेर गंगा पुल पर जो ट्रायल का काम है वो चालू है, चल ही रहा है। तो उसी का हम जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे आ गए हैं एंड आज शाम के 5 बज रहा है और आज है 5 जून और आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है 6 जून सुबह, क्योंकि शाम के समय एडिटिंग करके अपलोड करने में कुछ अलग ही तरह का होता है, इसीलिए हम सुबह अपलोड किए वीडियो जो कि आप अभी देख रहे हो। तो चलो यहाँ से व्यू दिखाते हैं और आगे का भी जो काम चल रहा है इस तरफ उस तरफ दिखाते हैं, उस तरफ घुमा थोड़ा तो उस तरफ दिखाते हैं जो काम वगैरह चल रहा है, तो वहाँ भी चलेंगे लेके आपको और दिखाएंगे यहाँ का पूरा व्यू। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं एक ऐसा जगह पे जहां में कि हम वीडियो स्टार्ट किए थे लिंक पथ से, जो कि दूध फैक्ट्री 0 माइल से लेकर दूध फैक्ट्री के पास आने के बाद लिंक पथ का जो काम था बायां तरफ का, जो कि हम दिखाएं तो इधर पहले ही आपको उस तरफ का जो लिंक पथ था वो कटिंग कर दिया गया है और एक तरफ का लिंक पथ ही रहने दिया गया है। तो जो जानकारी हम आपको वहाँ पे दिए थे जस्ट उसके बीच में हम यहाँ पे आ गए हैं यहाँ वानिकी विश्वविद्यालय के पास। और इधर देख सकते हो बीच में काम चल रहा है तो वहाँ फिलहाल हम चलते हैं, अभी लास्ट स्टेट वहीं पर चलेंगे और वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे वहाँ का स्पॉट पे जाके। और अभी बता दें आपको कि ये जो टेम्पू वगैरह आप चलते हुए देख रहे हो, फाइनली जो चेकिंग का काम था वो फाइनली कर लिया गया है। जो इधर मुंगेर के पाया के तरफ से काम चेकिंग का करते हुए जो कि 35 टन का ट्रक जो है उसे लगाया गया था हर पिलर पे, उसके बाद चेक किया जा रहा था। उसका भी कोई क्राइटेरिया होगा कितना देर तक रहना चाहिए एक पिलर पे 35 टन ट्रक, और उसके बाद 35 टन का जो ट्रक था 8 मुंगेर के तरफ लगाया गया था और बेगूसराय के जो उधर से 0 माइल पड़ता है उस तरफ से ट्रक का जो उस तरफ भी ट्रक का वजन था वो 35 टन था और उस तरफ से 2-2 करके लगाया और इस तरफ आते हुए पिलर का जो कितना मतलब वजन उठा सकता है उसके हिसाब से चेकिंग करते हुए वो फाइनल किया गया। और अभी तो चलते हैं सीधा इस तरफ से निकलते हैं और वहाँ बीच में जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है वहाँ पे काम चल रहा है वहाँ चलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं अब जाकर जहां में कि काम चल रहा है, पीछे देख सकते हो यहां पर रोड पहले चौड़ा नहीं किया गया था लेकिन अब जाकर चौड़ा कर दिया गया है ताकि 2 गाड़ी आसानी से क्रॉस हो सके। और इसके बगल में जस्ट यहां पर देख सकते हो यहां पर था पहले
कि रोड ट्रक वगैरह जब साइड से चलता था तो वो डायरेक्ट नीचे चला जाता था, गिर जाता था। आपको वीडियो भी हमारे चैनल पर देखने को मिला होगा कि एक ट्रक पलटी कर दिया था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो काम चला था वही ट्रक पलटी कर गया था। लेकिन अब इस तरफ देख सकते हो बांध दिया गया है, पूरा सीमेंट बालू से मसाला से पूरा बांध दिया गया है। और ये पूरा दूध फैक्ट्री का जो शुरुआती मेन गेट है वहाँ से लेकर यहाँ वानिकी विश्वविद्यालय का गेट नंबर 2 तक पूरा बांध के पूरा अच्छी तरीके से मजबूत कर दिया गया है, ताकि अब कोई भी गाड़ी वगैरह जो भी हो तो वो साइड से धसे या पानी वगैरह पड़े। बरसात का मौसम तो आ रहा है, अगले जस्ट महीना के बाद बरसात का मौसम ही है, तो फिलहाल वो सब में दिक्कत ना आवे इसी कारण से वो प्लस्तर और मसाला वगैरह से सबसे ढाल के अच्छी तरीके से मजबूत कर दिया गया है, जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और अभी शाम बहुत ज़्यादा हो गया है और सोचे कि अगला दिन चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा यहाँ से डायरेक्ट ही चंडिका स्थान तक का व्यू आपको दिखाएंगे। अभी तो शाम के समय ये आना पड़ा हमको क्योंकि कोई ज़रूरी अपडेट आपको देना था। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ गाइस, अगर चैनल पर मेरा नया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट हो हमारे से रिलेटेड या कोई इस गंगा पुल से रिलेटेड या कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या कहीं हम जा रहे हैं तो हमारा ब्लॉग का ये चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और अगर फेसबुक पेज से आप हमें अभी देख रहे हो तो प्लीज़ फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो करना जाकर, ताकि आपको जो भी वीडियो वो पहले आपको मिल सके एंड आप आराम से देख पाओ। तो चलो यहाँ से वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।